तो आप देख सकते हैं ग्लैमर में बैठने के बाद कुछ ऐसा सिटिंग पोस्चर आता है बिल्कुल ही अपराइट बैठे हुए हैं बाइक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है थोड़ा सा इसका जो सीट हाइट है वो हमें ज्यादा लग रहा है उसके कंपैरिजन में बैठने के बाद बाकी अगर आप देखते हैं तो फाइव फाइव वालों के लिए काफी ये भी कंफर्टेबल ऑप्शन है आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो बाइक प्रेजेंट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो की ग्लैमर का यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल ट्वेंटी वाला वेरियंट जो कि ई ट्वेंटी अपडेट वाला मॉडल है दूसरी है यहाँ पे होंडा की एसपी वन और ये भी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं दोनों ही यहाँ पे आपकी वन सीसी सेगमेंट की एक बजट ऑफरिंग्स है और काफी भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि दोनों बाइक्स को डिटेल में कंपेयर करने के लिए क्या कुछ यहां पे डिफरेंसेस मिल जाता है तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप डिजाइन वाइज देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है फुल्ली एलईडी लाइट्स का सेटअप जो कि यहाँ पे हाई बीम लो बीम आपको मिल रहा है इंडिकेटर्स आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे आपको बल्ब में कंपनी ऑफर करती है और फ्रेंड्स से ये थोड़े टॉल डिजाइन में आपको मिलता है वहीं अगर आप ग्लैमर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है बल्ल में लाइट इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है और दोनों ही बाइक्स में फ्रंट में कंपनी यूज करती है टेलीस्कोपिक फोक्स जो कि रिफ्लेक्टर्स के साथ आ रहा है वहीं अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट का टायर मिलता है एटी 100 का एटीन इंचेस के एलोई व्हील्स पर ये माउंट है और अगर आपको हम यहाँ पर सबसे पहले बैठ करके जोटिंग पोस्चर है वो दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं ग्लैमर में बैठने के बाद कुछ ऐसा सिटिंग पोस्चर आता है बिल्कुल ही अपराइट बैठे हुए हैं बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक जरा भी बैंड नहीं होना पड़ रहा बाइक में बैठने के लिए हमारी जो हाइट है वो फाइव फाइव की अप्रॉक्स में है और पैर यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबली आ रहा है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा इसके सिटिंग पोस्चर का बाकी सीट्स की अगर कुशनिंग की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है हम यहाँ पर ईज़ली जो है वो अपने पैरों के थ्रू मूव कर पा रहे हैं बाइक को तो अगर आप ओवरऑल में देखते हैं तो ये फ्रेंड्स एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल ऑप्शन है बाकी अगर हम एस की बात करते हैं तो उसमें भी आपको हम एक बार बैठ करके दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर आइडिया लग जाए तो अभी फ्रेंड्स हम बैठ रहे हैं यहाँ पर एस पी वन ट्वेंटी फ़ाइव और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने के बाद सिटिंग पोस्चर कुछ ऐसा आ रहा है थोड़ा सा इसका जो सीट हाइट है वो हमें ज़्यादा लग रहा है उसके कंपैरिजन में बैठने के बाद बाकी अगर आप देखते हैं तो फाइव फाइव वालों के लिए काफ़ी ये भी कंफर्टेबल ऑप्शन है और इसमें भी जो हैंडल बार्स है वो बिल्कुल ही अपराइट सेट किया गया है तो कम्फर्ट के मामले में यहाँ पर दोनों ही बाइक्स आपके लिए सिमिलर यहाँ पर रहने वाली है बाकी अगर हम बात करते हैं टैंक की तो फ्रेंड्स टैंक आपको दोनों में ही काफ़ी मस्कुलर मिल जाता है और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप सेटअप वाइज देखते हैं तो आपको एक बार हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में दिखा देते हैं क्या क्या आपको मिल रहा है तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो आपको इसके टैंक में मिलता है होंडा की बैजिंग जो कि यहाँ कंपनी थ्री में ऑफर कर रही है यहाँ पर डिसब्रेक वाला ये मॉडल है और यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेंड्स ग्लैमर का लोगो ये भी थ्री में है एफ की आपको बैजिंग मिल रही है प्रोग्राम एफ की नीचे में हीरो का लोगो आपको मिल जाता है किक स्टार्ट उसमें भी मिलता है आपको यहाँ पर भी मिल जाता है और ये फ्रेंड्स आता है ई के साथ इन्हेंस स्मार्ट पावर के साथ ये आता है फ्रेंड्स आई के साथ और दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है बाकी अगर हम मीटर कंसोल की बात करते हैं तो दोनों में ही आपको डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ मिल जाता है इसमें आपको मिलता है यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का मीटर जिसमें कि गेर पोशनिंग इंडिकेटर है टाइम शो करता है साइड स्टैंड इंडिकेटर है और बाकी फ्रेंड्स इसका जो मीटर है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टार्ट होता है एक इको एक इंडिकेटर भी कंपनी प्रोवाइड करती है टाइम भी यहाँ पर शो कर रहा है और बाकी यहाँ पर दो सेट के बटन आपको मिलते हैं इस साइड में आपको मिलता है इंजन किल स्विच इलेक्ट्रिक स्टार्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न तो ये कुछ यहाँ पे इसका सेटअप है सिंगल पीस में हैंडल बार है और वहीं अगर आप फ्रेंड्स ग्लैमर में देखते हैं तो ग्लैमर में आपको मिलता है यहाँ पे आई थ्री एस ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट इस साइड में कंपनी पास प्रोवाइड करती है यहाँ पे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स और हॉर्न बाकी एक चार्जिंग का यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पे भी डिजिटल मीटर ही आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसमें कि आई थ्री एस इंडिकेटर इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर साइड स्टैंड इंडिकेटर लो फ्यूल इंडिकेटर आपको मिलता है और न्यूट्रल इंडिकेटर तो खैर रहता ही है सभी बाइक्स में तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सेटअप जो है वो मिल जाता है बाकी यहाँ पे ग्लैमर का आपको दोनों साइड में लोगो जो है वो दिख रहा होगा जो कि थ्री में कंपनी ऑफर करती है यहाँ पर एस की बैजिंग मिलती है और दोनों में ही साड़ी गार्ड और यहाँ पर आपको मिल जाता है लेडीज़ फ़ुटरेस्ट कवर्ड चेन सिस्टम के साथ आ रही है दोनों ही बाइक्स और दोनों ही यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबल ऑप्शन है बाकी आप बैक से यहाँ पे लुक्स देखते हैं तो सिंगल में आपको सीट मिलता है सिंगल में ग्रैबरेल्स कंपनी ऑफर कर देती है दोनों में ही यहाँ पे टेल लाइट्स आपको मिलता है फ्रेंड्स बल्ब में और यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का स्पेस पीछे में दे रखा है दोनों में ही रिफ्लेक्टर्स आपको दिख जाएगा और रेयर का जो टायर है वो हंड्रेड सेक्शन का है दोनों में ही हंड्रेड बाई एटी का जो कि एटीन इंचेस के लॉय व्हील्स पर माउंट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सेटअप जो है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिल जाता है बाकी लुक्स वाइज यहाँ पे आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं रहा बात माइलेज का तो दोनों का ही माइलेज टेस्ट हमने परफॉर्म कर दिया है एस पी का भी और ग्लैमर का भी दोनों का ही फ्रेंड्स जो लिंक है वो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आप जाकर देख लें और वहाँ से आप इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि माइलेज वाइज अगर आप सोच रहे हैं तो कौन सी बाइक यहाँ पर बेस्ट रहेगी बाकी दोनों में ही फाइव स्पोक स्पोकलॉय व्हील्स वाला आपको डिज़ाइन मिल जाता है रेयर में दोनों में ही ड्रम ब्रेक्स मिलेगा और रेयर का जो सस्पेंसन्स है वो फ्रेंड्स एडजस्टेबल आपको मिलता है दोनों ही बाइक्स में तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो है वो सिमिलर ही मिल जाता है सीट वगैरह का कंफर्ट मीटर कंसोल वगैरह यहाँ पे जो लाइट्स में है वो थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल में दोनों ही बाइक से एक यहाँ पर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रेंड्स हीरो के साथ जाना चाहते हैं या फिर होंडा के साथ बाकी मैं होप करता हूँ आपकी यहाँ पर सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई हो अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ थैंक यू फ्रेंड्स